की पशुपति मेटल फैक्ट्री गांव वालों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। इस फैक्ट्री में एक साल के अंदर 3 ब्लास्ट हो चुके हैं। ब्लास्ट में एक ने अपनी जान भी गंवा दी है, दर्जनों घायल हुए हैं। हादसे के बावजूद प्रशासन की कार्रवाई सुस्त है और फैक्ट्री प्रबंधन मस्त। दुमका की पशुपति मेटल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री अब मेटल फैक्ट्री से मौत फैक्ट्री में तब्दील होती जा रही है। यहाँ काम करने वाले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 धमाकों के गवाह बन चुके हैं। इन हादसों में अब तक दर्जनों झुलस चुके हैं और एक को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। फैक्ट्री ब्लास्ट में कमरडीहा के जोरिया इलाके के मजदूर मुकुल मिर्धा की मौत के बाद से उसका परिवार सदमे में है और लोग गुस्से में। इस बार लगाकर 3 बार घटना हुआ है ना, फैक्ट्री यहाँ उठ जाना चाहिए। दूसरा काम कोई चीज खोल दो ठीक है, लेकिन ये टायर का फैक्ट्री उठ के चले जाना चाहिए। लापरवाही से यदि टंकी फट जाता तो ये पूरे बस्ती को बर्बाद कर देता या कि जला देता। हादसे में जो बच गए उन्हें खुशनसीब कहें या बदनसीब कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हादसे में वे शरीर से लाचार हो चुके हैं। कमाएंगे कैसे और खाएंगे क्या, ये सवाल उन्हें खाए जा रहा है। मशीन अपने आप फूट गई, मशीन फूटला बाद 4 आदमी घायल, 4 आदमी के बीच में 1 आदमी गुजरी गये मरी गये, 3 आदमी अभी बचल थे। 3 आदमी बीच में दवा सुया जे भी करल को होने करल को, इसके बाद जे आलियो खाने पीने के कोई चीज व्यवस्था नहीं है। कोई चीज हम कमाए न पार छो, कोई चीज धर पकड़ न कर छो, गोटे हाथ घाव हो गए छो फोका होका। मौत बांट रही इस फैक्ट्री के खिलाफ अब लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। लोग अब इस फैक्ट्री को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के दरवाजे बंद ही मिल रहे हैं। मुझे अभी हाल में पता चला है कि वहाँ आग लगी है, इकाई तरफ से कहीं कोई जानकारी नहीं है। मैं भी गया था, देखा था असल को, पूर्ण जो ये घटना के बाद कोई वहाँ कुछ बताने में सक्षम नहीं थे, सीधे बोला कि पता नहीं कैसे लग गया। इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? मैं उन्हें यही निर्देश दूंगा कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उनके तहत ही अपने यहाँ उत्पादन का कार्य। उद्योग विभाग यदि कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको जो है उद्योग विभाग डेवलपमेंट के लिए अनुदान देती है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है कि हम जो है फैक्ट्री को बंद कर दें या चालू करें, ऐसा नहीं है। इसके लिए पॉल्यूशन विभाग और फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है सक्षम पदाधिकारी हैं। हमेशा की तरह इस बार भी अधिकारी ब्लेम गेम खेलने में मस्त है। फैक्ट्री प्रबंधन मामले में मुंह खोलने को तैयार नहीं। 3 साल के अंदर बॉयलर फटने, आग लगने और मजदूरों की मौत जैसी बड़ी घटना का गवाह बन चुका पशुपति मेटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे से बचते रहे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों की मौत न हो, इसकी गारंटी कौन देगा? समय के लिए दुमका से विजय तिवारी।